हाँ ये तस्वीर को देखिए, चिलचिलाती और ये बच्चियां लोग जो इनके स्वागत में आई है, कहां से आई है, क्यों आई है, जानने का प्रयास कर रहे हैं। जोहार जन जन के नेता, आज कोडरमा लोकसभा के सांसद मंत्री सम्मानित अन्नपूर्णा देवी का नॉमिनेशन है कोडरमा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी के रूप मंच पर विराजमान। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो सर्कस मैदान है गिरिडीह का, रविंद्र पांडे जी ये सभा है, नॉमिनेशन करके अभी आएंगे और सभा स्थल पे संबोधन करेंगे। तस्वीरों में देखिए तैयारी है, ये लोग हैं जो अन्नपूर्णा देवी की साथ तैयारी में लगी हुई है। हालांकि यहीं से हम शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये लोग तैयारी में जो आई है क्या कुछ कहते हैं। उधर भाजपा के समर्थक है, पूरा लाल 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 आपको दिख रहा है, बीच में एक आजू का झंडा भी दिख पा रहा होगा। बीच में तमाम लोग यहां बैठे हैं, नगाड़ा शुरू हो गया, बजना शुरू हो गया। थोड़ा इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बाबू क्या नाम हुआ, नाम क्या, नाम बताओ, नाम बताओ बेटा, नाम बताओ, नाम तुम्हारा क्या, अरे बोलो लजाओ, नाम बताओ। अच्छा उम्र तुम्हारी कितनी है? चौदह में से चौदह लोकसभा सीट। धार कहाँ गई? इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए जा रही है। जो मोदी जी का नारा है 400 पार, निश्चित रूप से इस बार 400 पार पूरे देश में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीत जा रही है। कितना उम्र होगा इसका? मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम हिंदुस्तान। कितना उम्र किए जा रहे निश्चित रूप से कितना, अरे कहाँ आपका नाम, मोदी जी जाने के बाद जिनके स्वागत में ये भी नहीं बोल रहा है, पिछले 10 साल में नहीं बोलना चाह रही है। हालांकि इन लोगों से जानने का हमने प्रयास किया है, ये लोग स्वागत में, एक चीज मैं बात कर रहा हूँ, चिलचिलाती धूप है। तस्वीर आप देखिए, दोपहर का समय है, चिलचिलाती धूप है। नॉमिनेशन करके अन्नपूर्णा देवी आएंगी, सभा को संबोधन करेंगी और उनके स्वागत में ये जो गाँव के ट्राइब वुमेन्स है, ये छोटे छोटी बच्चियां हैं, ये लोग आए हुए हैं। थोड़ा ये तस्वीर को देखिए, चिलचिलाती धूप और ये बच्चियां लोग जो इनके स्वागत में आई है, कहां से आई है, क्यों आई है, जानने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बताया नहीं जा रहा है, और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, और भी लोग इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग कहां से, घर कहां है, इंडिया नाम संगीत सिखाना पड़ेगा। एक बात बताओ, उम्र तुम्हारी कितनी हो जाएगी, उनको जो है जाना क्यों क्लास में पढ़ूंगा, से झारखंड में भी अच्छा तुम लोग को ये काम करने में कितना पैसा लगा? पूरी मजबूती के साथ मोदी जी ने बचा के रखा है, यहाँ ओबीसी दलित 350 खुद से आई है, इनको बुलाया मोदी जी ने, मजबूत करने का काम किया है। इतना ही नहीं, मोदी जी ने सामान्य वर्ग को भी पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 10% आरक्षण देने का काम किया है। इसलिए ऐसे जो विरोध में जान रही है कौन आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं पता है? अच्छा दोनों का अभी स्कूल चालू है या छूट गया, बंद है? बंद है। अच्छा एक और तस्वीर, तुम्हारा नाम क्या है? कौन से क्लास में पढ़ती है? उम्र कितनी है? तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा देवी आ रही है, उनके स्वागत ये लोग आ रही है। थोड़ा देखिए इन लोग डुगडुगी बजा रहे हैं, कहां से आप, कहां से कौन पर तस्वीरों में देख सकते हैं ये नगाड़े वाले भैया जो बजा रहे हैं। हालांकि ये लोग हमें ज्यादा कुछ बजाने से मना कर रहे हैं कि हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखाएं कि चिलचिलाती धूप है, चिलचिलाती धूप में इनके स्वागत में ये लोग आई हुई है। और ये तस्वीर देख के आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम
ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये दिखाने का हमने प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के जो कोडरमा प्रत्याशी है पूर्णा देवी, उनका नामांकन सभा है और उनके स्वागत में बिरटाल प्रखंड के ये लोग आए हुए थे। बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।